भाई साहब कर लो यार, कर लो कर लो कर लो। पिटाई खाओगे क्या? आज मेरे वीडियो में आपको थोड़ा ना एरोगेंस देखने को मिल रहा होगा, तो बॉडी जो बनती है ना ऐसे प्यार मोहब्बत में नहीं बनती, ठीक है ना? थोड़ा गुस्सा आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। चलो मेरे दो राजकुमार करके दिखाएंगे अभी पर्वत भुजंग। चलो बेटा पर्वत दिखाओ, कम ऑन। चलो पर्वतासन, भुजंगासन, कम ऑन, भुजंगासन करो। ये हमारे दो नन्हे राजकुमार कुशाग्र और रिद्धिमान। चलो मेरे समस्त यूट्यूब की फैमिली को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। एक नया ब्लॉग लेके फिर से आप सभी के समक्ष आ गया हूँ मैं। आज के ब्लॉग में बेसिकली मैं लेके आया हूँ बाइसेप को ग्रो करने की 6 एक्सरसाइज, जिसको अगर आप करोगे ना, आपने एक महीना भी अगर इसको कर लिया ना, आपको जो नेक्स्ट लेवल का पंप आएगा ना भाई साहब, आप याद करोगे अपने भाई को। तो ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ मैं। मेरे दो भाई ओम और गौरव इंतज़ार कर रहे हैं जिम में अभी, वो मैं पहले कराता हूँ। एक एक चीज़ आप देखना, और हाँ ये ध्यान रखिए कि अगर आपने एक भी चीज़ स्किप कर दी ना, आप सारी चीज़ मिस आउट कर जाओगे कि कहाँ पर मैंने कौन सी फॉर्म यूज़ करी, कहाँ पर मैं कौन सी आपको छोटी छोटी टिप दे रहा हूँ जो कि यूज़फुल हो सकती है आपका बाइसेप ग्रो करने के लिए। तो आप सभी भाई बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुजारिश आप सभी से करना चाहता हूं मैं कि प्लीज मेरे वीडियोस पे जैसा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो डिले ना करते हुए लेके चल रहा हूँ आपको फटाफट से वार्म अप सेशन की तरफ। चेहरे पर आज थोड़े 12 बजे हुए क्योंकि मेरा खुद का वर्कआउट था अभी लेग का और शोल्डर का। वो करने के बाद मैं दिमाग में आया कि भैया आज वीडियो बना लेते हैं करके, ठीक है? तो आप उस पर मत जाना, मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रखा है अभी, चेहरे का हालत बहुत ख़राब है, स्वेटिंग वगैरह हो रही है, ठीक है ना? तो सिर्फ व्लॉग पर ध्यान दीजिए, जो मैं नॉलेज आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ना उस पर ध्यान दीजिए। फॉलो करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। दोनों मेरे भाई तैयार हो गए हैं अभी यहाँ पे रॉड लेकर के। कोई भी आप रॉड ले लें जो भी आपको सूट करती है। तो पहले हम कर रहे हैं बाइसेप का वार्म अप, ठीक है? तो हम पहले लगाएंगे 50 रैप बॉटम हाफ के। कैसे करेंगे चलो दिखाओ, कम ऑन, 1 2 स्पीड में लगाएंगे 3। मैं वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, है ना? थोड़ा यहाँ पे स्पीड बढ़ाऊंगा। 50 मैंने करने हैं बॉटम हाफ। बॉटम हाफ कंप्लीट करने के बाद 50 अब है हमारा अपर हाफ। 90 डिग्री से ऊपर हाथ जाएगा ओम भाई, यहाँ से ऊपर, हाँ ठीक है, कम ऑन 50। हाँ बॉडी नहीं लाने, ध्यान रखना, ठीक है? 50 बॉटम हाफ, 50 अपर हाफ, देन 50 फुल रेंज ऑफ मोशन। चलो कम ऑन स्पीड में, अभी तो वार्म अप चल रहा है। पंप देख लो पहले आप अभी, ठीक है? और देख लो वेंस दिख रही है ना। बाइसेप का वार्म अप करने के बाद हम कर रहे हैं बाइसेप की सपोर्टिव मसल ट्राइसेप का वार्म अप। कैसे करेंगे देख लो, ये हमारा केबल क्रॉसओवर है, हमने वेट निकाल दिया, जीरो कर रखा है। यहाँ से पुली को पकड़ो, ठीक है? पुली को पकड़ो, दौड़ देने पकड़ो, ठीक है? 50 रैप ईच हैंड, 50 रैप एक हाथ से पूरे, हाँ फुल रेंज ऑफ मोशन। 50 पहले हमने एक हाथ से मारने, देन 50 दूसरे हाथ से मारने। वार्म अप करने के बाद चल रहे हैं हम बाइसेप का पहला वर्कआउट करने के लिए। उसके लिए मुझे ज़रूरत क्या है ना, कुछ इस तरह का स्मिथ मशीन का मैंने बार बार लगा रखा है पीछे, जिससे होगा क्या कि जब आप पीछे खड़े हो गए ना तो आपकी यहाँ पे कोहनी यहाँ पर टच हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कोई स्टैंड होगा ना वहाँ पर भी लगा सकते हो अपनी कोहनी। हमको लगानी है बेसिकली स्ट्रिक्ट प्रेस, ठीक है ना? जिससे कि हमारे जो कोहनी है वो लॉक हो जाए वहाँ पर। ओके, हमने अभी वेट लगा दिया इसमें। चलो उठाओ, कैसे लगाना आप एक एक चीज़ फॉलो करिएगा। हाँ कोई भी चीज़ स्किप कर दोगे नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है? ऊपर रुके, आराम से 2 से 3 सेकंड रुको, आराम से स्क्वीज करो, आराम से नीचे लेके आओ। हाँ, और ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं कि पहला सेट में पंप नहीं आया ना, नाम बदल देना, ये मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। चलो उठाओ, रोको ऊपर, हाँ आराम से नीचे लेके आओ। पहला सेट आपको मैं फुल में दिखा रहा हूँ, बाकी गौरव का सेट भी फास्ट में दिखाऊंगा। कोशिश करो ओम भाई कि झटके से मत लो ऊपर, आराम से लो। हाँ, जो स्पीड में नीचे लेके आ रहे हो ना, पॉज करो नीचे जाके, उसी स्पीड में ऊपर लेके आओ, पाँव लगन लेके आओ। हाँ ठीक है, दबाओ, गारंटी ऐसे ही नहीं दे रहा कि पहला साइड में पंप आ जाएगा, ठीक है? आराम से नीचे लेके जाओ, उसको इसके ऊपर जाके आप देख रहे होगे, देखो वेंस दिख रही है उनकी, ठीक है? नीचे लाओ, आराम से लाओ, वो देख लो पॉप आउट हो रही है पूरी वेंस, आराम से नीचे लेके जाओ, उठाओ ऊपर। और एक चीज़ और नोटिस करना कि बॉडी का मोशन पूरा देखो कंट्रोल है, हम लोअर बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं, हिप आगे पीछे नहीं हो रही है, चेस्ट आगे पीछे नहीं हो रही, पूरा कंट्रोल वे में है, जिससे कि सारा सारा लोड जो है ना अपना हमारे बाइसेप में है, जिसके लिए हम कर रहे हैं अपना वर्कआउट उस पर लोड है। झटका मत दो, आराम से फाड़ो उसको यार, फाड़ो, हाँ जब तक ये जलने ना लग जाए ना भाई साहब,
छोड़ा नहीं बता दे रहा हूं मैं। हाँ हाँ उठा ऊपर, कमान देख लो, पॉपआउट देख लो, ठीक है? फील हो रहा तुमको? हाँ सर। आराम से लाओ नीचे, बड़े चीखें निकलनी चाहिए तुम्हारी, चीखें नहीं निकली ना? हाँ बता दे रहा हूँ मैं, लट्ठ पड़ेंगे पीछे, उठाओ पर। हाँ फील करो उसको, फिर कहते बाइसेप नहीं बनती, बाइसेप नहीं बनती, लेके आओ नीचे आराम से, दबाओ ऊपर, दबाओ, चलो दबाओ। एक ही सेट में देखो, पसीना देखो यार आप, एक ही सेट में देखो, अभी पहला सेट है, स्वेटिंग देखो कि कितनी बंदे की वाट लग रही है, ठीक है? आराम से, अब वेट कितना है देखो, 2.5 किलो है। अब लोग क्या करते हैं, 10-10 किलो की प्लेट लगाएंगे, हिलते रहेंगे झूलते रहेंगे। उठाओ ऊपर, रुक रहे, हाँ उठाओ, ठीक है? हाँ चलो 5 और मारो स्पीड में, स्पीड में 5 मारो भाई, ब्लॉक लंबा खिंच रहा है। 1, come on 2, हाँ come on 3, उठाओ 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 उठाओ, 4 उठाओ, 4 and 5 उठाओ, आराम से नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। 2.5 किलो के 2 डंबल है, ठीक है? फाड़ने के लिए मसल को, फटी जनरेट करने के लिए ना मैं दो, हाँ कोहनी पीछे टच कर लो, हाँ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ उठाओ, दिस और बाहर की तरफ, ये मारो 20 मारो बिना रुके, बॉडी मत हिलाओ, बॉडी मत हिलाओ, बता दे रहा हूँ मैं। 3, 4 33 मारो स्पीड में, 5, 6, 7, 8 कम ऑन 9 चलो 10 कम ऑन 11 12 चलो 13 14 कम ऑन 15 16 17 चलो 18 19 और 20 चल बेटे बहुत बढ़िया। कैसा लगा? पंप करो, पंप करो, टाइट करो पूरा, ये देख लो भाई साहब गोला, ठीक है? पहला सेट कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोड आया पूरा? वेट बढ़ाने की जरूरत है? वेट बढ़ाओगे? ठीक है वेट, पसीना देख लो भाई साहब का, ठीक है? चलो बढ़िया, पहली एक्सरसाइज आपने देख ली, लेके चलता हूँ आपको सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो है 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन। पहली है रिवर्स आर्म बाबल कर्ल, उसको आप केबल में भी कर सकते हो, केबल क्रॉसओवर वाली मशीन में, उसके साथ में लगाऊंगा डंबल हैमर कर्ल, ठीक है? जैसे पहले एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन था स्ट्रिक्ट आर्म बाबल कर्ल प्लस डंबल कर्ल, तो सेम यहाँ पे भी है, मेरे साथ बने रहो, दिखाता हूँ आपको। हल्के वेट में ही ना मैं आग लगा दूंगा उसके बाइसेप में, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा भाई को देखना, आ जाओ इधर को, आ जाओ भाई साहब, ठीक है? वेट दिखा लो एक बार जरा नीचे, रॉड वही है, 2.5 किलो का वेट लगा रखा है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, 5 किलो का मैंने डंबल हैमर लिया है, ठीक है? एक चीज़ आप और नोटिस करना मेरी वीडियो में ना, मैं बहुत ज़्यादा वेट प्रिफर नहीं करता, ठीक है? वेट वो लेता हूँ मैं कि जिसको मैं, अगर सपोज करो बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, तो ये नहीं कि मैं झूल रहा हूँ ऐसे करके, वो वेट लो कि जिसको आप बिना हिले कंट्रोल मूवमेंट में कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे चेस्ट हो, बाइसेप हो, बैक हो, शोल्डर हो, इसी में लगा दूंगा आग, ठीक है? चल कम ऑन, ग्रिप कैसी पकड़नी वो भी देखना, एक एक चीज़ नोटिस करना, बता रहा हूँ एक चीज़ नोटिस, अंगूठा मैंने बाहर कर रखा है, ओके? ग्रिप नॉर्मल है हमारी, ना क्लोज है ना वाइड है, नॉर्मल ग्रिप है, कि जहाँ पे हमारे शोल्डर खत्म है वहाँ से मैंने पकड़ रखा है। चलो उठाओ, बिना हिले उठाना, ठीक है ना? स्ट्रिक्ट मोशन में, आराम से रुक, आराम से नीचे लेके जा, हाँ उठाओ ऊपर, बिना हिले उठाओ, कम ऑन, हाँ नीचे लेके जा, नीचे ले आते वक्त जो मूवमेंट है ना उसको कंट्रोल करना है, उठाओ। और एक चीज़ और नोटिस करनी है यहाँ पर, छोटी सी चीज़ है कि नीचे जाके ना रोकना नहीं है उसको, जितना रोकना यहाँ पर रोकना, नीचे जाते उठा दे उसको, ठीक है? तो बाइसेप में आग ऐसी ही नहीं लगेगी, जो फायर जनरेट होगा ना ऐसे जनरेट नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। सबके अलग अलग फंडे होते हैं यहाँ सब ट्रेनर के, मेरा फंडा ये है, मेरे को जो सूट करता है, मेरे बंदों को जो सूट करता है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। चल 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 चल, चल। आराम से मार, जर्क मोशन मतलब मैंने बता दिया है, हिला मत बॉडी को अपनी, हाँ उठा पर, रोक यहाँ पे, जितना रोकना है यहाँ पे रोक, नीचे जाके ले जा, उठा ले इसे, उठा ले उठा ले, रोक यहाँ पे, हाँ चल चल, देख लो चेहरे में आके देख लो एक बार कि कितनी उसकी जान निकल रही है, ठीक है? कंफर्ट जोन में नहीं मारो, 2.5 किलो में, 2.5 किलो में ये उसकी हालत हो रही थी, 10 किलो का फालतू में क्यों लगाऊं यार? उठाओ चलो, हाँ आराम से ले, आराम से ले, झूल मत झूल मत झूल मत, कम ऑन। आज मेरे वीडियो में आपको थोड़ा ना एरोगेंस देखने को मिल रहा होगा, तो बॉडी जो बनती है ना ऐसे प्यार मोहब्बत में नहीं बनती, ठीक है ना? थोड़ा गुस्सा आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। चल उठा 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 उठा, हाँ चल कम ऑन, उठा चल नीचे रख दे, ठीक है? अपना मैक्सिमम आपने देना, रैप काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, आप देख रहे होगे कि मैं रैप काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे रैप मायने रखते, मसल फेलियर मायने रखता है, तब तक करो जब तक कि मसल आपकी फेल ना हो जाए। चल उठा, स्ट्रिक्ट मोशन में हैमर कर, डंबल हैमर कर, हाँ रुक नीचे ले जा, उठा ऊपर, ये सबको एक्सरसाइज आती है, यहाँ बस फर्क इतना कि मैं कॉम्बो में कर रहा हूँ। उठा चल, हाँ उठा ऊपर, नीचे रोक मत, हाँ चल उठा, कमो उठा, चल 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 चल, ये उठाओ, सिर्फ बाइसेप का वर्कआउट दिखाऊँ, ट्राइसेप का नहीं दिखाऊँ, ट्राइसेप का मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और बाइसेप में हालत ऐसी हो जाएगी ना भाई साहब, खुद बोलोगे आप। एक बार करके देख लेना, अपना शेड्यूल तो आप फॉलो करते हो, एक बार मेरा भी करके देख लेना, ठीक है? उठाओ, हाँ आराम से नीचे उठाओ, ऊपर चल चल चल, उठा कम ऑन, मार यार, फेल कर मसल को, फेल कर, चल, जलन हो रही है, जलन हो रही है, हो रही है,
बोल। उठा उठा उठा, जबरदस्ती मत बोलना, बता रहा हूँ मैं। उठा चल उठा उठा, चल उठा चल उठा उठा। आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे पोजिशन उसकी जो है ना खराब होने लग गई है। देखो कोहनी आगे जा रही है, क्योंकि उससे अब स्ट्रिक्ट मोशन में नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो हिल रहा है। कोहनी आगे जाने लग गई, इसका मतलब क्या कि मसल फेलियर हो रही है, उसको दिक्कत होने लगी। उठा, तो यहीं से अब आगे का सफर शुरू होगा। यहाँ से जो रैप लगेंगे ना, दैट इज क्वालिटी रैप। उठा चल उठा, हाँ कमन ये चल उठा, ये रैप काम आएंगे उसके, उससे पहले के रैप काम नहीं आएंगे, टाइम पास कर रहा था उससे पहले वो। चल उठा चल, 10 मार तेज, 1 कमन, 2 चल, 3 चल, 4 चल, 5 कमन, 6 चल, 7 चल, 8 चल, 9 और 10। नीचे रख कमन, नीचे रख आराम से, चालू रखना वीडियो, चालू रखना वीडियो, रुक ये देखो हाथ देखो कि टाइट, देखो टाइट, ये देखो स्किन नहीं आ रही हाथ में, पास से दिखाओ भाई साहब यार, ये देखो स्किन नहीं आ रही मेरे हाथ में, ये कितना टाइट हो गया, ठीक है। तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, और नंबर ऑफ सेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पहली एक्सरसाइज जो हमने करी, आपको अगर मजा आ रहा है ना, तो 4 से 5 सेट मार सकते हो, या एक्सरसाइज के भी 4 से 5 सेट मार सकते हो, ठीक है। चल रहे हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी प्रीचर कर्ल स्टैंड की। यहाँ पे भी मैंने रॉड में 2.5 किलो का वेट लिया है, सामने सपोर्ट के लिए उसको दिया है, गौरव खड़ा है जैसे कि मैं सारा कवर कर सकूं। मेरे को करना क्या है ना, यहाँ पे 10 10 10 बॉटम हाफ, अपर हाफ और फुल रेंज ऑफ मोशन ये निकालने, मतलब टोटल 30 रैप निकालने। करके दिखाओ चलो भाई, इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या वो दिखाऊंगा मैं। आराम आराम से, जल्दीबाजी मत करो। आप देख रहे हो पॉप आउट हो रहे हैं उनके भाई साहब, यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, आप देख पा रहे होगे ना नीचे से, यहाँ से, ठीक है। तो आराम आराम से 10 मारो, रोक रोक कर नीचे कंट्रोल मोशन में लेके जाओ। आराम आराम से 10 मारना है, एकदम स्ट्रेट में नहीं करना, ठीक है। चलो 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 कमन, आराम से 10। कोई इसको 7 7 7 भी करते हैं, 21 का भी करते हैं, लेकिन लोड से मतलब है कि कितना लोड आ रहा है। देख रहे हो आप उनका भाई साहब पीक देख रहे हो एक बार, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर इन्हें हैवी वेट उठाया ना, तो फिर ये जो पोशन कर रहे हैं ना बिना हिले डुले, वो नहीं कर पाएंगे, इनकी पोशन ख़राब हो जानी है। हो गया 10 हो गए, अब बॉटम अप हुए 10 फुल, आराम आराम से। चलो कमन, 1 आराम से, 2 3 चलो आराम से, पूरा नीचे इनहेल करते हुए जाओगे। ब्रीदिंग का सिस्टम ध्यान रखना आप, नीचे ब्रीदिंग करते हुए जाना है, जो ऊपर आके आपको सांस छोड़नी है। आराम से जाओ नीचे, उठाओ ऊपर, हाँ कमॉन चलो। पीछे से दोनों राजकुमार आ रहे हैं हमारे, अभी हल्ला गुल्ला कर देंगे, हाँ वीडियो में देखना वो। चलो कितने हो गए, 8 हो गए, चलो 9, एक और 10, बहुत बढ़िया, नीचे रख दो अभी, हाँ उठा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने 7.5 के 2 डंबल रखे हैं, ठीक है उठाओ जरा, फोरआर्म के लिए कर रहा हूँ मैं। आगे बड़े में आ गए, छोटे में आने वाले, पीछे देखो छोटे में अभी आ गए, ठीक है फुल। मेरे को कम से कम चाहिए इसमें, ओम भाई कितने कितने मारोगे, फेल मारो, फेल मारो 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 मारो, जब तक फोरआर्म तुम्हारे जलने ना लग जाए ना। छोटे मियाँ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब तक ये कर रहे हैं अपने 50, थोड़ा सी चीज़ आपको बता दूं मैं, आज का जो हमारा वीडियो था, मैंने बाइसेप ट्रेन करी है, तो बाइसेप में 3 हेड होते हैं, आपको पता है, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, मीडियल हेड। लॉन्ग हेड को मैंने ट्रेन कर लिया था बाबल कर्ल से और डंबल कर्ल, जो उसके बाद किया था हमने। मीडियल हेड को मैंने ट्रेन किया था डंबल हैमर कर्ल से, और शॉर्ट हेड को मैंने ट्रेन कर लिया अपना यहाँ से प्रीचर कर्ल से। उसके अलावा जो फोर आर्म थी, मैंने फोर आर्म के लिए रिवर्स आर्म जो बाबल कर्ल थी वो ले लिया था मैंने। बाकी जो ट्विस्टिंग का डंबल, भाई साहब कर लो यार, कर लो कर लो कर लो, पिटाई खाओगे क्या, 50 कर रहे हैं ये, तो सबके 3 से 4 सेटअप लगाओ। कैसा लगा मुझे आप बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है। गौरव जाओ भाई, तुम करो अपना परफॉर्म करो भी, चलो। दर्शकों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाइसेप में पंप आया नहीं आया भाई लोगों को बताओ जरा, आ गया सर, आया है भैया, झूठ वाली बात नहीं है, सही वाली बात बताना, ठीक है ना। देख फर्जी वाला ब्लॉग तो नहीं बन रहा है ना, फर्जी वाला ब्लॉग तो नहीं है ना, तो आप अभी तो हमने जल्दीबाजी में कराया, लेकिन बकायदा अगर इसको आप टाइम देके करोगे ना, एक दिन में अगर आप बाइसेप भी करोगे और एक दिन में ट्राइसेप करोगे ना, बहुत अच्छा पंप आएगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ फिर से अपने भाई लोगों के साथ मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए हमें आ गया दे, थैंक यू सो मच।